क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा पांडे राजेश कुमार पांडे है। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ, पूरा मामला बताएं। हम अपना खेत जोत रहे थे जी। कहाँ पे? पथरा गांव में जी। किस ब्लॉक में पड़ता है? पहाड़ी ब्लॉक जी। आगे? तो हम अपना खेत जोत रहे थे तो उधर से सुबह 4 बजे तो दरोगा जी आए 100 नंबर से, तो सिपाही हमारे पास आए, बोले दरोगा जी बुला रहे हैं जी। तो हम गए तो उनके पास, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ घूम रहे हो, बैठे हो? तो हमने कहा हम अपना खेत जोत रहे हैं जी। तो बोले कि दिन में टाइम नहीं मिलता, तो हमने कहा दिन में इतनी धूप रहती है, उमस रहती है, तो सुबह शाम जोत लेते हैं जी। तो बोले कि कहाँ ट्रैक्टर चल रहा है? मैंने कहा आपके सामने चल रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं दिख रहा कहाँ चल रहा है। मैंने कहा वो चल रहा है, आपको दिखता नहीं क्या? जैसे मैंने इतना कहा तो मुझे उतर कर संदीप सिपाही जो थे उनके साथ में, तो मेरा हाथ पकड़ लिए, बोला बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो मेरे कान झापड़ मारना शुरू कर दिए। कम से कम 12-13 झापड़ मारे कान में, कान से ब्लड आने लगा। जो कहाँ, किस कान पे? ये वाले कान पे अभी ब्लड लगा हुआ है मेरे जी। ब्लड तभी से, पहले तो बहुत स्पीड से निकल रहा था, अब तो हल्का हल्का निकल रहा है जी। और फिर मारा, जब कान पे ब्लड आ गया, उनके हाथ पे ब्लड लग गया, तो पेट पे पीठ पे मारना शुरू कर दिए। क्या नाम था उनका जो मारे हैं आपको? रोशन गुप्ता। जब तब मैं पहचानता था, फिर बाद में पता चला कि रोशन गुप्ता हैं। अच्छा, जो कहाँ पे पोस्टेड हैं? पहाड़ी थाना में जी। तो सिपाही आए, बोले दरोगा जी बुला रहे हैं, तब हम जाने दरोगा जी हैं जी। तो हमने पूछा क्यों मारा, तो बोले ऊंची आवाज़ में हमसे, तुमने हमसे बात किया तब हमने तुमको मारा। अच्छा, आगे क्या किया आपने कार्रवाई के लिए? फिर हमने अप्लीकेशन दिया कप्तान साहब को, हमने सूचना दी जी। कप्तान साहब ने कहा कि जाओ पहाड़ी थाना में अप्लीकेशन दो। तो हम ले गए, तो पहाड़ी में 3 स्टार वाले कोतवाल साहब बैठे थे, उनका नाम अरुण पाठक था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मादा चोर थक जाओ, भोसड़ी की झूठी FIR लेके आए हो जी। तो अब कौन कौन थे वहाँ मौके में, और कोई था? हाँ, बहुत सारे लोग बैठे थे। क्या चल रहा था वहाँ पे? वहाँ पर ठंडा कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट सब लोग कर रहे थे, और उनके आपस के सब आदमी बैठे थे। मीटिंग चल रही थी। कहे की मीटिंग चल रही थी? अब कुछ व्यापारियों लोग बैठे थे, मीडिया से एक दो लोग भी थे लगता है। अच्छा, तो अब ठंडा ठंडा भी पी रहे थे, तो हम लोग, हमको भी, हमको जानते नहीं थे, हमसे पूछे कि कहाँ आए हो, तो हम कहा अप्लीकेशन लेके आए, तो कहा है देखे तो हम लेके भाग जाओ माँ देखो, नहीं तो किसी झूठे मुकदमा में सजा के जेल भेज देंगे। अच्छा, क्या कोई मुकदमा है क्या आपका पहले से? मेरा कोई नहीं है, अब ये लोग अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ तो झूठा आरोप लगाएंगे, और मेरा कोई मुकदमा नहीं, किसी थाने में भी नहीं है, और न कोई मैं अपराधी हूँ, न कोई गुंडा हूँ, न कोई डकैत हूँ। जो थाना अध्यक्ष से हमने बात की तो वो बोल रहे हैं कि आपका मुकदमा है। हाँ। आप गाड़ी चोरी करते हैं, क्या ऐसा कुछ मुकदमा है आपका? अगर मेरा ऐसा कोई मुकदमा था तो उतनी देर इनको अरेस्ट करना चाहिए था, ऐसा कभी भविष्य में पड़ा हो ऐसा मुकदमा तो उनको तब अरेस्ट करना चाहिए। क्या मैं घर पे नहीं रहता हूँ, क्या अपना घर छोड़ दिया था? क्या इसके पहले आप कहीं जेल गए हैं? कभी मैं जेल नहीं गया, एक बारू का मामला था, जो कुछ लोग गांव के कहने पर, ना मेरा ट्रैक्टर कहीं पकड़ गया, ना मेरे पास कोई ट्रैक्टर है, ना कोई किसी ने मुझे पकड़ा जी। जो कि इसी ने गांव के लोगों पर आरोप लगाया कि राजा पांडे ने खनन किया, जो मेरे कोई कभी भविष्य में ट्रैक्टर नहीं था, ना मेरे पास कोई ट्रैक्टर पकड़ा गया, ना मुझे कोई रंगा हाथ पकड़ा। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की अप्लीकेशन वाली? हाँ, फिर SP साहब को मैंने कहा, तो बदतमीजी दरोगा जी ने गाली दिया मुझको, भगा दिया वहाँ से, और फिर कप्तान साहब ने कहा वो लिए नहीं है, तो आपके हमको दे दो अप्लीकेशन, हम कार्रवाई करेंगे जाँच करके। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पहाड़ी के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या नाम पिताजी के आपके? मेरे पिताजी का नाम, मेरा नाम राजा पांडे, विष्णु दत्त पांडे।